आप सभी को सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आप सभी का स्वागत है जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ही मिश्रण से दो तरह के आलू चाप, एक डोसे के बैटर से, दूसरे बेसन के बैटर से। आइए चलते हैं बनाने। मैंने उबले आलूओं को मैश करके ले लिया है, दाल चावल को भिगो कर पीस लिया है, बेसन, नमक, कसूरी मेथी, प्याज, मिर्च को मैंने काट लिया है, हल्दी, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, रोस्ट की हुई मूंगफली के दाने, धनिया पत्ती, अजवाइन, बेकिंग सोडा। बैटर तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो आपको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बैटर मैंने बना लिया है। एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब जीरा डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, प्याज और अदरक ब्राउन हो जाए तो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छे से ब्राउन हो जाए तो रोस्ट की हुई मूंगफली के दाने डाल देंगे। अच्छी तरह से हिला लेंगे, फिर हल्दी डाल देंगे, गरम मसाला, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, मसाले भून जाए तो मैश किए हुए आलू डाल देंगे। ये आलू चाप बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, बनाकर देखिएगा। अच्छे से मसालों में मिक्स होने तक चलाएंगे। फिर धनिया पत्ती डाल देंगे, आलूओं को एक बोल में निकाल देंगे। ठंडा होने पर छोटे या बड़े बॉल बना लेंगे। अब बॉल को अब डोसे के बैटर में कोट करके तेल में फ्राई करेंगे। ऐसे ही सारे फ्राई कर लेंगे। बचे हुए भी ऐसे फ्राई कर लेंगे सारे। ये हमारा आलू चप रेडी है। चावल और दाल के आटे से, बैटर से और एक बेसन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।